हेलो ओम हेलो। हेलो। हाँ, सोहेल खान जी। हाँ कौन है? सोहेल खान जी, मैं बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से, अंकुर। हाँ बोलिए। अच्छा सोहेल भाई, आपका एक ऑडियो बहुत लीक हो रहा है जिसमें किसी ने आपसे बात की है, आशीष चौरसिया। जी। हाँ तो भाई, ये समझ नहीं आया, मतलब आप जो बार बार कह रहे हैं आयत नंबर 5:32 हाँ आयत के, नंबर 5:32। हाँ के क्या बताया गया है उस आयत में? क्यों रखिए भाई फोन, रखिए आप लोग। भाई, क्या बात होगी? नहीं, आप लोग फोन करिए मत पहले, तो सुनिए, फोन हाँ जी, क्यों करिए मत आप लोग मुझे, मुझसे भाई, कांटेक्ट करिए नहीं। क्या बात होगी ऐसा? नहीं, क्या बात हो गया ना, आप लोग बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत ही अरे तरीका मैं है। तो आशीष चौरसिया के YouTube चैनल पे देखा यार। हाँ होगा भाई, रखिए। तो भाई बात सुनो तो सही, ऐसे మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి బిజీగా ఉన్నారు, దయచేసి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ప్రయత్నించండి। ఆప్ జిస్ వ్యక్తి కో కాల్ కర్ రహే హై వో ఇస్ సమయ వ్యస్త్ హై, కృపయా థోడీ దేర్ బాద్ కాల్ కరే। ద పర్సన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇస్ మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి బిజీగా ఉన్నారు, దయచేసి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ప్రయత్నించండి। మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి బిజీగా ఉన్నారు, దయచేసి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ప్రయత్నించండి। ఆప్ జిస్ వ్యక్తి కో కాల్ కర్ రహే హై వో ఇస్ మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి బిజీగా ఉన్నారు, దయచేసి కాసేపు ఆగిన తర్వాత ప్రయత్నించండి। ఆప్ జిస్ వ్యక్తి కో కాల్ కర్ రహే హై तो सोहेल भाई, मेरा बात यह है कि आपका नाम जो क्या है? कहाँ आशीष चौरसिया, से आप? महाराष्ट्र? अच्छा महाराष्ट्र मुंबई, अच्छा जी, बोलिए। तो मैं जानना चाहता था भाई कि आप जो कहते हैं जाकिर नाइक के आप बहुत बड़े फैन हैं ना, तो जी, मैं कह रहा था कि आप बता सकते हैं कि कलामुल्ला क्या है? सलामुल्ला हाँ जी भाई, जी, आपका नाम क्या है? आशीष चौरसिया भाई बता रहा हूँ ना, अच्छा, तीसरी और बार क्या है पूछ आपका रहे हैं, सवाल? यही बता दीजिए। कलामुल्ला यानी अल्लाह की किताब को बोलते हैं, जी भाई, अल्लाह की किताब का कौन है, क्या है, कुरान है अल्लाह की किताब। कैसे कैसे हो गई? हो गई? देखो, बाइबल में कहा गया है, हाँ बाइबल में कहा गया है, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं ईसाई धर्म में। मतलब कुरान आपको पूरा मेरे नहीं, बात, नहीं कुरान आपको पूरा नहीं पढ़ता, आप बाइबल से प्रमाण देंगे मुझे? अरे भैया तो सुनो, मैं दूसरे धर्म की किताबों में कहा गया है, कुरान के अंतिम ऋषि के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में। अंतिम ऋषि, ऋषि मत जोड़िए ना, मोहम्मद साहब, मोहम्मद जी को ऋषि कैसे कह रहे हैं आप? फिर ऋषि क्या कहेंगे फिर? भाई, ऋषि के कर्तव्य क्या होते हैं? मोहम्मद साहब के कर्तव्य थे क्या वैसे? देखो साहब, हमारे जो नहीं ऋषि, धार्मिक किताब देखिए है कुरान, मैं सुनो, अपने धार्मिक किताब से बताऊं तो ऋषि उसे कहा जाता है जो परजीवों के पर दया करे, किसी भी जीव की हत्या ना करे। तो वहां तो वो अच्छा बकरी को भी काट रहे थे, खा रहे थे, तो कैसे हो गए ऋषि वो? अच्छा आप बोल रहे हैं ऋषि किसी भी चीज की हत्या नहीं करते। साइंस नहीं आज की कह रही है, सुनो, पेड़ जी। पौधों में भी जान होती है, आप हाँ लोग हाँ पेड़ पौधों की जान क्यों ले रहे हो भैया? अच्छा, उन्हें आप ही खाते वेजिटेरियन, लो। बिल्कुल बिल्कुल इस पे तो अच्छे से जवाब दूंगा। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन क्यों डिवाइड किया गया है, साइंस ने डिवाइड क्यों किया गया है, ये बता दीजिए। नॉन वेजिटेरियन, साइंस ने ही ये क्या नाम से डिवाइड किया है ना, वेजिटेरियन अलग और नॉन वेजिटेरियन अलग। हाँ तो अगर आप उस पचड़े में जाएंगे तो बहुत गंदे फंस जाएंगे भाई, इसीलिए मैं कह रहा तो हूँ कि भैया आप जी, पहले ये बताइए कि इस, नहीं फल नहीं फलों बात में भी सुनिए, जान बात होती है, उसको खाना, बाकायदा। वो भी तो, हाँ, वो मैं उसको जान रहा क्यों हूँ, मार रहे हैं आप लोग? आप जाकिर नाइक के रट्टे तत्तु हो, रटे हुए तोते हो, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप केवल मुझे ये बताइए कि कलामुल्ला कैसे है। मैं वेद को मानता हूँ, मैं वेद को बता रहा हूँ, आप बताइए कुरान कलामुल्ला कलामुल्ला कैसे ऐसे है। है, सुनो, जी अल्लाह की किताब जो है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, ये आखिर हमारा ईमान आखिरी है। नबी नहीं, आखिरी आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी नहीं, क्योंकि आखिरी पैगंबर? अरे मेहंदी अलैहि सलाम के बारे में भविष्यवाणी हुई है कि नहीं हुई है? भैया, भैया हाँ, जी, ईसा अलैहि सलाम भी आने वाले हैं, तो ईसा इब्ने वो लोग जो मरियम, है वो ईसा इब्ने मरियम, तो वो तो भाई गजवाए हिंद में आएंगे ना, गजवा हिंद में नहीं भैया, कयामत से पहले आएंगे, जब बाकायदा हदीस में वो अगर ईसा अलैहि आपको सलाम, हदीस बता दूँ तो। सुनो, जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे, जी ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे तो ईसाई लोग बोलेंगे हमारे खुदा आ गए, हमारे खुदा, तो ईसा अलैहि सलाम कहेंगे आप लोग झूठे हैं, मैंने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया, सुने, ये कहेंगे वो। और उसके बाद वो ईसा अलैहि सलाम अलग
वो काम कर रही हूँ उनका अच्छा, जो अच्छा, काम है। अच्छा। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि कलामुल्ला कैसे है, कलामुल्ला मतलब के अल्लाह की वाणी है। कलामुल्ला सुनो भैया, मैं बोलो ना, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम कैसे है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। जी जी जिब्रील तो वहां पर जिब्रील अलैहि सलाम उनको आए, उनके सीने में चाक किया, फिर उसको बताया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाँ थोड़ी आए थे मक्का में, थोड़ी आए थे मदीना में, फिर उसके बाद जाके पूरी हुई। मैं ये सब जानता हूँ, ये परिकथा मैं जानता हूँ, ठीक हाँ है। मस्जिद नबी में गैर मुस्लिम हाँ सवाल किया था अल्लाह के नबी से, जैसे आपके जैसे सूरत हाल, पुताकों ने देखिए बताओ वो तो। भाई, जैसे जैसे सूरत हाल बनते गए वैसे वैसे नाजिल होती गई, क्योंकि उनको भी पता नहीं था हाँ कि सूरत बिल्कुल हाल बिल्कुल कैसे बनी गई। उन्हें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अल्लाह को भविष्य के बारे में पता नहीं था, कि उनको देख रहे थे कि सूरत हाल कैसी बन रही है, तब जाके वो भेज रहे थे, डायरेक्ट जी नहीं भेज जी रहे थे। तो ये तो उनका पता चल गया कि उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। अच्छा और अल्लाह की प्लानिंग तो शुरुआत से ही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। उन्होंने आदम को हाँ बनाया, उन्होंने फरिश्तों को बनाया, उनमें से इबलीस जो था वो सजदा नहीं किया, इबलीस जी जी शैतान बन गया, वो भी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद आदम और हवा को बना के, क्या नाम से, आदम को बनाए, वो भी प्लानिंग गड़बड़ हाँ हो गई। फिर उनको लगा कि नहीं भैया, इसकी जोड़ीदार की आवश्यकता है, तो उसके बाएं पतली से बना दिया। फिर उसके बाद उसे कहां बहिष्ट में रखा, तो वहां पे भी प्लानिंग गड़बड़ हो गई, तो बहिष्ट से हटाना पड़ा। तो ये सब बातें तो हैं, उनकी शुरुआत से ही प्लानिंग गड़बड़ होती आ रही है। लेकिन जो ईश्वर है देखो ना, गड़बड़ प्लानिंग गड़बड़ की लेकिन बात कुछ भी नहीं लेकिन है। गड़बड़ लेकिन गड़बड़ क्यों बोल रहे हैं आप, गड़बड़ की बात भाई कुछ भी नहीं है। मुझे कुरान ने बना के बताया ना आदम अलैहि सलाम को हवा अलैहि सलाम को जन्नत में रखे थे, आपको मालूम है ना। सोहेल भाई, यही तो कह रहा हूँ, उन्हें पहले से अगर पता होता, आखिर उन्हीं का बनाया बंदा, उन्हीं का बनाया फरिश्ता, जिसे उन्होंने आग से इतना मजबूत बनाया था कि वो उठ के उन्हीं के चैलेंज करने लगा, ये क्या किसके बात हुई। चरणों में? उन्हीं को चैलेंज करने लगा ना, कि हाँ जो तेरे मार्ग पे चलेगा उसे मैं भटकाऊंगा, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से, ठीक है। हाँ तो तो वहीं मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो अल्लाह ताला उसको इबलीस करार दे दिया है इसीलिए उसको। इसीलिए मेरे भाई सोहेल भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप विषय से ना भटकिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कलामुल्ला कैसे, अल्लाह का कलाम मतलब अल्लाह ने, अल्लाह की वाणी है ना वो। हाँ अब वाणी के लिए, आदि हाँ, आप कहते हो ना अल्लाह निराकार है, कि आकार है उसका, हाँ हाँ बिल्कुल अल्लाह का आकार है कि निराकार है, ये बताइए। अल्लाह निराकार है जी। निराकार है ना, तो जब निराकार है और वाणी कह रहे हो कलामुल्ला, तो वाणी के लिए मुख का होना आवश्यक है और मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक है, तो निराकार कैसे हुआ। देखो भैया जो हमारे धार्मिक किताब में कहा गया है, और सुनो यही तो हमारे धार्मिक जहालत है किताब में मेरे कहा भाई, गया है। ये जहालत है आपकी। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, दलील से बात कर रहा हूँ। जाहिल किसको बोलते हैं, अपने अपने दिमाग से जो बात करता कुछ भी गलत सलत बोलता। अच्छा अच्छा तो मैं बोल धार्मिक किताब से बात कर रहा हूँ। भाई, मैं धार्मिक किताब उसे नहीं बोलेंगे ना, उसे मजहबी किताब हाँ बोलेंगे मेरे भाई। नहीं आपकी क्या है, आपकी भी मजहबी किताब है, मेरी धार्मिक किताब है, कैसा है धार्मिक किताब साबित देखिए करो आप। देखिए, धरती क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ठीक है। ये धर्म हाँ होता है। आपके यहाँ पे दिन का डेफिनेशन क्या है, बता सकते हैं आप। का दीन का, दीन का डेफिनेशन, दीन इस्लाम है, इस्लाम के माने पीस नहीं अमन। तो, नहीं दीन का डेफिनेशन बताइए मुझे। जैसे मैंने दीन का बताया ना, डेफिनेशन जो क्या धारण है? करने योग्य हो वो धर्म कहा जाता है, जो अच्छे कर्म धारण करने योग्य हैं वो धर्म कहे जाते हैं। इस्लाम में क्या चीज बुरी दिखती है आपको, ये बोलो आप। आप इतना जैसे घुमाओ मत, आपको क्या क्या चीज गलत दिखती है आप वो बोलो। काफिर के बारे में, काफिर का मतलब अब क्या देखिए है, हम काफिर नहीं है, सुनो काफिर का मतलब क्या है। मैं बता रहा हूँ। कुरान का सूरह बकरा आयत नंबर 98, मन काना दुबान लिल्लाहि व मलाकातिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मिकाएल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीना, जो जिब्राइल मिकाइल को ना माने या उसका दुश्मन हो वह काफिर है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी तो तो हम तो है ना, उनके दुश्मन क्यों भैया क्यों बताऊं, आप, मैं हाँ बताऊं आपको क्यों क्या दुश्मनी क्यों। है। हाँ गजवाए हिंद की हदीसों में बाकायदा उन्होंने बोला है हमें अच्छा मारने, सुनो, मैं काफिर का मतलब मैं एक ही नहीं बात नहीं में आपको समझाना हमें, चाहता हूँ क्या है। सुनो मेरे सुनो और सुनो आप मेरी बात मेरे सुनो। देश पे आक्रमण करने की बात आपके मोहम्मद ने कही है, मेरे पूर्वजों पे आक्रमण करने की बात कही है, अरे भैया सुनो भैया, काफिर का बोले मतलब क्या नहीं। मैं मेरी आपको बात बताता हूँ। सोहेल भाई, मेरी काफिर का, देखिए मेरी काफिर मुझसे का आपने मतलब जो पूछा है ना उर्दू सोहेल भाई, तो में मैं होता है नॉन मुस्लिम, ये इंग्लिश में होता है नॉन मुस्लिम, अरबी आप में होता है काफिर, उर्दू में होता है गैर मुस्लिम, खत्म हो गई बात। तो मतलब ये कुरान की आयत को आप नहीं मानेंगे। कुरान की आयत को तो मान रहा हूँ ना मैं, तो नहीं जो लोग गैर मुस्लिम है उनको काफिर कहा नहीं जाता नहीं है, काफिर का मतलब गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम। मेरे काबिल दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कुरान के सूरह बकरा आयत नंबर 98 के एतबार से आप क्या मानते हैं, आपकी मुराद क्या है उससे। अरे भैया तो आप जो लोग इस्लाम के जो लोग दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन मतलब जो नहीं लोग नहीं नहीं इस्लाम नहीं को फॉलो इस्लाम के नहीं नहीं, करते। इस्लाम के नहीं, हम भाई इंसानियत के दुश्मन हैं। तो ये तो कौन है इंसान, इंसानियत के, अब देखिए क्या नाम से, गजवाए हिंद की हदीस में रवायत आती है कि मेरी उम्मत के दो जमात होंगे,
उन्होंने बोला है आपके हुजूर ने कि मेरी उम्मत के दो जमात होंगे जिनको के जहन्नुम की आग छू नहीं छुएगी, एक जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होंगे और दूसरे जो हिंदुस्तान के गजवा में शामिल होंगे, हिंदुस्तान के गजवा में शामिल होंगे। मेरी बातों पे गौर करना। तो भैया जो ऐसा कह रहा है, मेरे पूर्वजों को मारने की बात कर रहा है, मेरे देश पे आक्रमण करने की बात कर रहा है, तो वो तो मेरा दुश्मन है ना। अरे भैया कौन किसी का भी दुश्मन नहीं। इस्लाम में कहा गया है सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, एक भी बेगुनाह इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। अच्छा, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो बेगुनाह का कत्ल करना, तो बेगुनाह में क्या ये बकरा वगैरह नहीं आते? अरे भैया खुदा ने भगवान ने जिन जानवरों की इजाजत दी है वो जानवर खा सकते हैं। अभी आप लोग जो पेड़ पौधों की जो फलों की जान लेके खा ले रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हैं अभी लाखों लाखों जम्स। मैं बात सुनो ना भैया, हाँ बताइए। सुनो ना भैया, आप जो अभी सांस ले रहे हो ऑक्सीजन, लाखों जम्स आपके बाहर निकल के मर जा रहे, वो बेगुनाह जम्स का आप क्यों कत्ल कर रहे हैं ये बताओ। जी जी जी, आप सुनेंगे उनकी मेरी बात सुनेंगे? सुनने को क्या है भैया, साफ साफ है ना भैया, जो जानवरों की भगवान इजाजत दे रहे हो। एक जड़ बुद्धि होती है, एक जड़ बुद्धि होती है और एक चेतन बुद्धि होती है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये जड़ बुद्धि हैं, चेतन बुद्धि नहीं है। तो इनको खा अच्छा। सकते हैं, इनको खा सकते हैं, लेकिन चेतन बुद्धि जो होते हैं ना उन्हें नहीं खाना चाहिए, उन्हें खाना गलत होता है मेरे भाई। अच्छा मैं एक बात बोलूं आपको, अस्थावक अस्थावर योनि जिसको कहा जाता है ना, अस्थावर सुनो, मैं नहीं, अरे विषय से भागो मत। आप नहीं, बात तो सुनिए, मैं उसी विषय पे आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ ना। अस्थावर योनि जिसे कहा जाता है ना, उसको खाया जाना सही है, उसको खाने की अच्छा। इजाजत है, लेकिन जो चेतन है उसे नहीं खाया जाना चाहिए। अच्छा देखो भैया, अगर आपका कोई भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, हाँ, जिसके पास दो सेंसेस कम होते हैं, फिर भी बाकी सारे सेंसेस तो है ना उसके। हाँ तो सुनो भैया, हाँ, दो सेंसेस कम होते हैं और कोई आके उसका कत्ल कर होता है, आप जाके जज को ये बोलेंगे कि आप जज साहब कातिल को कम सजा दो इसके दो सेंसेस कम थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कातिल को डबल सजा दो, मेरा भाई तो मासूम था, सुन सकता था ना, बोल सकता था भाई, पेड़ पौधे जो है ना सुन सकते हैं, मैं आपकी बात सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। वो तो क्या है, वो लोग को मारना और बड़ा जुर्म है, क्यों मार रहे हैं? फलों को पेड़ों को क्यों खा रहे भाई? भाजी पाला खाना बंद कर दो। सोहेल भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनेंगे? मेरा भाई जो था गूंगा था और बहरा था, बाकी उसकी भावनाएं तो थी। हाँ तो थी ना, उसकी भावनाएं थी ना, उसके अच्छा बुरा अपना सुख दुख लाभ हानि समझ सकता था ना। हाँ तो भाई उस हिसाब से तो भाई जो सुख दुख लाभ हानि अपना समझ लेवे उसे मारना पाप है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें वेजिटेरियन की संज्ञा में क्यों श्रेणी में क्यों रखा है, आप ये बता दीजिए। विज्ञान ने ही रखा है, मैंने नहीं रखा है। अरे भैया वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन किस में रखेंगे उसको, जो नॉन वेज है उसको नॉन वेज की संज्ञा में रखेंगे। तो क्यों रखा है यही तो बता दीजिए, उसके बाद क्यों रखा है आप बताओ, आपके उत्तर मिल जाएगा ना, आप बताइए फिर उसके बाद उत्तर। मैं तो यही कहूंगा कि जो जानवर जो भी चीज है उसको मारना गुनाह है। नहीं अब ये गड़बड़ कर रहे हैं आप, ये गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई कि ये मौजू ही नहीं है। मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ ना उस पे कीजिए कि ईश्वर का ज्ञान अगर कुरान है, अल्लाह का ज्ञान अगर कुरान है, तो कुरान की एक अच्छाई बता दीजिए जिसने सारी उम्मत को फायदा पहुंचाया हो, सारी दुनिया के कोने कोने के लोगों को फायदा पहुंचाया हो, ना कि केवल मुस्लिम। कुरान की एक अच्छाई ये, सुनो मैं बोलता हूँ आपको, कुरान की एक नहीं हर बात अच्छी है, हर चीज अच्छी है। हमारा ईमान है, आप उस पर ईमान नहीं रखते होंगे, वो आपका मसला है। एक बताइए, सुनो एक बता रहा हूँ, सुनो कुरान की सबसे प्यारी जो अच्छाई है वो है एक मासूम इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। एक मासूम की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर। अच्छा, इस तरह की बात अगर किसी के धर्म में कही गई है तो बता दो मुझे। हाँ बताऊँ, एक और बात लिखी गई है कुरान क्या का, लिखी गई कुरान का सूरह तौबा आयत संख्या 5, फैता इंसल खा अल शुरू अल हुरमु फक्तुलु मुशरिकीन हत्तुवा जुद्दुहुम बखुहुम बहुशरुम। अब उसके बारे में उसका तर्जुमा बताइए आप। जहाँ पर भी काफिर को पाओ, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 ना, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 उसमें कहा गया है जहाँ पर भी काफिर को पाओ उसका कत्ल कर दो। तो उसके एतबार से क्या है भाई, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, आप अरुण श्री के भाई है आप। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप जाकिर नाइक। अरे भैया सुनो, अरे बिल्कुल जाकिर नाइक का स्टूडेंट हूँ मैं, आई एम ब्रॉट टू बी फंडामेंटलिस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टूडेंट हूँ मैं। सुनो सुनो भैया, बताओ ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं आप। 5 से पहले क्या आता, 5 से पहले 4 था, 4 है उसके बाद 3 है उसके बाद 2 है उसके बाद 1 है। 1 से पढ़ो भैया, आप कुरान निकालिए 1 से पढ़ो, आपको मालूम होता। मैं जवाब नहीं दूंगा, आप पढ़ लो। चलो आप बता दीजिए, मैंने पूरा पढ़ा। हाँ मैं बता दूँ, मैं बता दूँ। हाँ बता दीजिए। ठीक है, मक्का के जो मुशरिक थे, हाँ
उनके दरमियान में और मुसलमानों के दरमियान में एक सुलह थी, एक मुआहदा था, एक पीस पीस से वो थी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो एक दफा मक्का के जो मुशरिक होते हैं, जिनको आम जबान में कहेंगे गैर मुस्लिम जी, तो वो लोग क्या करे, उस सुलह को तोड़ दिए। अच्छा, तोड़ने के बाद अल्लाह ताला आयत नाजिल करे, मक्का के जो मुशरिकीन है उनको कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आप लोग सुधर जाओ, 4 महीने का आपको वक्त है। अच्छा, अगर आप सुधर जाएंगे तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐलान जंग। आयत नंबर 5 में कह रहे हैं, अच्छा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में। अच्छा, अब सुनेंगे आप, अगर अगर सुनो सुनो, अच्छा, अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐलान जंग। और आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जंग के मैदान में जहाँ भी आप काफिर को पाओ उसका कत्ल कर दो। काफिर मतलब गैर मुस्लिम, जो भी आपका दुश्मन है। तो आज के टाइम के लिए नहीं, आज के लिए नहीं कहा गया था, आज के लिए ना भैया सुनो, तुम जंग के मैदान के लिए कही गई थी वो बात, फिर आयत नंबर 6 पढ़ लो आप, उसमें कहा गया है अगर आपका जो गैर मुस्लिम जो है काफिर, अगर वो अमन चाहता है तो अमन चाहता है तो उसको छोड़ो मत, उसको एक महफूज महफूज जगह पर ले जाके छोड़ो, वरना आपका कोई दूसरा साथी गलती से उसका कत्ल ना कर दे। उसको छोड़ो मत, उसको अपने साथ ले जाकर महफूज जगह पर, अच्छी जगह दूर उसको छोड़ता हो, जहाँ पर वो सेफ महसूस करता है अपने आप को। नहीं, ये वो बराबर नहीं है, उसमें बाकायदा आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि अगर वो कलमा सुन ले तो फिर इसके बाद उसको छोड़ो। ठीक है, हाँ, अगर वो कलमा पढ़ता है तो भी छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ता है तो भी उसको ले जाकर छोड़ो। छुपा दिए इसको, क्यों छुपा दिया, उसको बताना चाहिए। अरे भैया छुपाया नहीं, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। अच्छा, मतलब मानते हैं ना गलती हुई, गलती से गलती हुई। अरे इंसान हूँ भैया, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, मनुष्य इंसान मनुष्य गलती कर सकता है। मानते हैं कि ये उस वक्त के जो जंग हुए थे उनके मद्देनजर ये लिखा गया था। हाँ, ये जो उस वक्त के जंग हुए थे, जंगे बदर जंगे उहुद, उसके मद्देनजर में लिखा गया था। लिखा नहीं गया था, अल्लाह की तरफ से उतारा गया था। अल्लाह की तरफ से कैसे उतारा जा सकता है यार, शुरुआत ही गड़बड़ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किसके नाम से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से। अल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? अल्लाह ताला ही अपने इंसानों को बोल रहे हैं कि आए इंसानों तुम अल्लाह के नाम से शुरू करो। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं इंसानों को, तुम मेरे नाम से शुरू करो। एक आयत बता दीजिए जहाँ पे कहा गया हो कि ऐसे बोलो। हाँ, एक आयत बता दीजिए जहाँ पे अल्लाह ताला ने बोला है इंसानों से कि ऐसे बोलो। आदम अलैहिस्सलाम जब गलती करे थे जन्नत में, आयत बता दीजिए ना। सुनो सुनो, मैं कुरान लेके बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। अरे तो वही बता रहा हूँ। हाँ। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, पेड़ पेड़ खा लिए थे, वो जो फल खा लिए थे, पेड़ नहीं खाए थे फल खाए थे। वही फल, मैं आपको फल बोल रहा हूँ, फल खा लिए थे। तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला नाराज हो गए थे। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम रोए, 300 साल रोकर अल्लाह से तौबा किए। तो अल्लाह ताला सुबह के वक्त अल्लाह ताला ने चंद कलिमात आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। कौन सिखाए? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, और आदम अलैहिस्सलाम उन कलिमात को पढ़े, अल्लाह ताला उनको माफ कर दिए, फिर दुनिया में भेजे। सोहेल भाई, कुरान में कहाँ लिखा है ये बताइए तो। हाँ, कुरान में कहाँ लिखा है ये तो बताइए। कुरान में, अभी कुरान मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। अच्छा, आपको नहीं पता है ना उसके बारे में? हाँ, नहीं पता है। अच्छा, मैं एक और कह रहा हूँ, अभी ये काफिर के ही बारे में कहूँगा कि जी। कुरान का सूरह अनफाल में आयत नंबर 65 में बोला गया है कि कौन से सूरह? सूरह अनफाल में, अनफाल आयत नंबर 65 में कहा गया है कि या अय्युहल लबीयु हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताली इन यकुम मिनकुम अय्शरूना सहाबिनूना या गिलबुल पानमीना अल्लदीना काफिरू को आमन ला यफकुन्ना, कि ए नबी तुम मोमिनों को उभारो जिहाद के लिए, अगर एक मोमिन होगा तो वह 10 पे भारी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट 46 की आयत में, उसकी अगली आयत में तुरंत पलटी मार गए और बोलते हैं कि भैया अब हमको तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है, अब अगर एक मुसलमान होगा तो वह 2 पर भारी पड़ेगा। 10 से डायरेक्ट 2 पे आ गए। तो मतलब उनको त्रिकालदर्शी, उनको हर एक काल का ज्ञान है, तो उनको भविष्य का ज्ञान नहीं था कि अगली आयत में उन्हें ये बोलना पड़ेगा, तो पहली में ही ये वाजे कर देते कि हाँ भैया एक रहेगा तो 2 पे भारी पड़ेगा। देखो भैया, हर जो कुरान की जितनी भी आयत है ना, कुरान में तकरीबन 6,700 कुछ आयतें हैं। हाँ हाँ, समझे ना, हर आयत में अल्लाह ताला का कुछ ना कुछ कुदरत पोशीदा है। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी कहा है वो क्या है, इंसान मैं स्टूडेंट हूँ, जो हमारे जो प्रोफेसर थे, जो हमारे जो आलिम है, मैं स्टूडेंट हूँ। महेंद्रपाल आर्या का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, तो मैं भी उन्हीं से मैंने थोड़ा कुरान सीखा है। हाँ तो सुनो भैया, हाँ, तो जो भी चीज कुरान में कही गई है ना, वो अल्लाह ताला ने क्यों कहा है, वो हमारे जो प्रोफेसर थे ना, वो आपको ठीक से समझा पाएंगे। इसके बारे में देखो भैया, मुझे ठीक से पता नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मुझे
नहीं, तो क्या है क्योंकि फिर क्योंकि वो? भाई देखा, मैंने आपका YouTube चैनल देखा और हमारे एक भाई से आपने बात किया था, रवि करके नाम है उनका YouTube चैनल, उनका भी चलाते हैं वो, तो रवि नाम है? हाँ आप बड़ी मिथ्या बातें कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बात करते हैं सोहेल भाई से। नहीं भैया, रवि कौन है यहाँ? अरे भाई कुछ हैं, अब रवि उनका मुझे ठीक ठीक नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपने बड़ी मिथ्या बातें कही थी वहां पे, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी एक साल का बाकायदा, एक समय था कि मैं अपना मुसलमानी खतना नहीं करवाया था, नहीं तो बाकी सब कुछ कर लिया था मैंने, और बाकायदा मैं अच्छा भी, आप आलिमे दीन हो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आपसे थोड़ी गुफ्तगू की जाए इस मौजू पे। अच्छा भैया सुनो, हाँ जी बोलिए। आप हिंदू है क्या है आप? हाँ जी मैं हिंदू हूँ, मैं आर्य हूँ, गुणकर्म स्वभाव के आधार पे मैं आर्य हूँ, अच्छा का भैया, ये हिंदू लफ्ज जो है, हाँ हिंदू नागरिकता है, ठीक है, वही वही बोल रहा हूँ मैं भी, हिंदू नागरिकता है, बिल्कुल ठीक कहे आप भैया। आप ये बताइए, हिंदू हिमालयात धर्म में, हिमालयात हिंदू सरोवरम जो बोला सुनो गया है सुनो, ना, बात सुनेंगे नहीं, अच्छा भारतीय बोलिए, उपमहाद्वीप में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू कहा जाता है, वह आप भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल, ठीक है, हिंदू के माने पता है मुझे, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं जो आप आपसे ये कहेंगे ना कि पूछूंगा, हिंदू सुनो हिंदू फारस की देन है, तो ये गड़बड़ है। भैया, आप ये कहिए, हिंदू धर्म में एक हिंदू को कितने भगवानों में देखिए मानना देखिए देखिए चाहिए? देखिए, बात ये है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान अच्छा भगवान अलग शब्द हो गया, भगवान अलग होते हैं, ईश्वर अलग होते हैं, ये याद रखिएगा, भगवान अच्छा हम अच्छा श्री राम को भी कहते हैं, भगवान का अर्थ होता है जो गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पे जो श्रेष्ठ है, जो जिसके पास भारी संपदा है, जो हर एक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसे भगवान बोला जाता है, ठीक है, जबकि अच्छा ईश्वर जो है वो निराकार है, वो कण कण में है, कण के अंदर भी है, कण के बाहर भी है। अच्छा हाँ जी, एक और मिनट जो करो, 33 प्रकार के, 33 कोटि देवता बोलते हैं ना, वो 33 करोड़ देवता अच्छा नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं, उनमें भी अच्छा केवल एक ही चेतन देवता है ईश्वर, और बाकी दूसरे जो चेतन देवता हैं वह अच्छा इंसानों भैया, की ही उच्चतम श्रेणी को बोला जाता है, बाकी सब प्रकृति के, ये प्रकृति को मूर्ति बोला गया मूर्ति है। मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहा गया है क्या? बिल्कुल नहीं फिर क्यों बनाते हैं? भाई, देखिए हमारे जो भी थे, जैसे श्री राम का ले लीजिए, वो हमारे महापुरुष थे ना। एक मिनट ठहरिए, एक मिनट रुको, जी जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आप बातचीत को अपने दिमाग के दायरे में लाना चाहते हैं, बोलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या बोले भाई? मैं जानता हूँ कि आप बातचीत को अपने सोच के दायरे में लाना चाहते हैं, जो जितने में आपको इल्म है ना, उतने में ही आप लाना चाहते हैं, तो ठीक है आप बात कीजिए, मैं उस पर भी बात करूंगा। भैया भैया एक मिनट, मैं इसलिए बोला आपको, थोड़ा एयरफोन लगा रहा था, आराम से चल लगा गया लीजिए, बात को, ठीक बिल्कुल है। आप बोलिए, क्या हो रहा था? मूर्ति पूजा करना हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों में कहा गया है क्या, ये बताइए, बिल्कुल नहीं, फिर क्यों करते हैं, मेरा सवाल है। मैं कह रहा हूं भाई, आपके यहाँ पे दरगाह आप मत खुला, कहिए, आपकी धार्मिक किताबें, मैं आप धार्मिक उसी का किताबों जवाब से कहिए, जवाब ठीक सुनेंगे, जवाब सुनेंगे है जी, ठीक ठीक है, बोलिए भैया। दरगाह पूजा लिखा है, दरगाह, दरगाह मजार बनाना इस्लाम में नहीं जैसे है? जैसे वो लोग नहीं मानते वैसे ये लोग नहीं मानते, हम तो अच्छा, समझा रहे हैं। आप तो मानते हैं ना मूर्ति पूजा करना गलत है? हाँ, लेकिन मूर्ति को प्रतीक के स्वरूप में उसका सम्मान करना गलत नहीं है। सम्मान तो हर चीज का करते हैं भैया, सम्मान करना नहीं गलत नहीं नहीं है, नहीं लेकिन भाई पूजा जो उसकी देखिए, कर रहे हैं, इस्लाम की तारीख है, इस्लाम की तारीख है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, आपके पैगंबर ने ही हाँ तोड़ा है, आपके हाँ पैगंबर ने उनका क्या नाम है, देखिए जुबान पे है याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बाकायदा इब्राहिम, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम इब्राहिम अलैहि सलाम ने बाकायदा मूर्तियों को तोड़ा था, तो आपके यहाँ तो जी तोड़ा भाई, जाता है भाई, हम तो नहीं तोड़ते, हम तो सम्मान अब करते हैं। उनको, अब उनको भगवान के बराबर अगर कोई बताएगा तो भैया आप वो मसला हो जाएगा ना भैया उसमें, ठीक नहीं, बात वो समझ रहा हूँ भाई मैं आपकी, लेकिन वो भगवान मानते हैं, हम उसे एक हमारा महापुरुष मानते हैं, जैसे श्री राम थे वह देवता थे, वह आप देवता जो मूर्ति थे। पूजा करते हैं ना भैया, हम उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोग रिस्पेक्ट आप नहीं करते सुनो, भाई, सच्ची बात बताइए ना, जो वो हाँ मैं हूँ इसलिए मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच्ची बात बताइए कि आप झूठ मूर्ति पूजा सुनो, का रिस्पेक्ट नहीं करते। मूर्ति पूजा को मैं मानता ही नहीं हूँ। हाँ तो रिस्पेक्ट कहाँ से करने की बात आ गई, अरे भैया हिंदुस्तान का कानून है कि दूसरे के धर्म को बुरा मत बोलो, उसकी इज्जत करो, बस इज्जत करता हूँ तो भैया, आपके आपका जाकिर, धर्म आपके आपके लिए। जाकिर नाइक बड़ा सम्मान करते थे ना, क्या गलत बोले मूर्ति पूजा के बारे में जाकिर नाइक? जाकिर नाइक ने बहुत कुछ बोला है भाई, और वो क्या हमेशा, बोला? देखिए जाकिर नाइक वेदों से हमेशा बोलते रहते हैं, वेदों पे प्रहार क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब उस भाई से आपने बात किया था, आप वेदों का प्रमाण दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाँ वेदों में तो गौ हत्या का निषेध लिखा गया है, आप कैसे कह सकते हो, उसको मानते हो क्या आप, किसको? गौ हत्या निषेध बताया गया है वेदों में, आप कैसे मान सकते हो, और हम तो कहते हैं कि वेद जो है ना
वो ईश्वर का ज्ञान है, जबकि आप कहते हो कि वेद कुरान ईश्वर की वाणी है, तो वाणी के लिए मुख का होना आवश्यक है और मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक आपके है। आपके हिंदू धर्म में कहा गया है जो पांडव के जो कितने 5 भाई थे ना, हाँ हाँ, उसमें से एक भाई जिसका नाम नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो एक जाते हैं इसके पास अर्जुन के पास, हाँ? और कहते हैं कि अय अर्जुन, हाँ? हमारे जो दादा परदादा है उनको संतोष रखने के लिए यज्ञ में पूजा में हम क्या दें? हाँ? तो अर्जुन कहते हैं, हाँ? कि अगर तुम भाजी पाला दोगे तो 1 महीने के लिए, मच्छी दोगे तो 2 महीने के लिए, हाँ? और इसी तरीके से कुछ सांप देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अब भाई मेरी बात सुनेंगे सोहेल भाई, देंगे तो 5 महीने के लिए, आप जो कह देंगे रहे हैं तो ना, 7 महीने के लिए। सुनो, मेरी आपको चुनौती है, अगर आप सच्चे दीन वाले अपने आप को कहते हो तो प्रमाण अच्छा। के साथ मुझे बता दीजिए। मैं बाकायदा मैंने महाभारत पढ़ी है, संस्कृत महाभारत, आप बता दीजिए कहीं पे इसका प्रमाण नहीं अभी तो मैं, नहीं अभी मैं तो आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप 10 लोगों को, बिल्कुल मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आप 10 मौलानाओं को साथ में लेके आइए और मैं अकेले रहूंगा बाकायदा। अच्छा आप बता दीजिए मुझे। ठीक है भैया, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, अभी मैं बाहर हूँ। एनी टाइम एनी वेयर, आप जहाँ भी मुझे कॉल करेंगे मैं आपसे बात करूंगा, और बाकायदा मैं अड़ा हुआ हूँ। आप बताइए कहाँ पे लिखा है अच्छा। पशु हत्या के अच्छा, बारे में बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा ये बताइए, अब हाँ। हिंदू धर्म में कहा गया है, हाँ? आपको मैं हवाला देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, सुनिए। हाँ हाँ, आपके पास आधारहीन बात कर रहे हैं, मैंने आपसे हाँ, तो मंत्र संख्या पूछा। देखिए मैंने कुरान की जितनी भी बातें बताई, संख्या देके बात करता हूँ, ठीक है सुनिए। हिंदू धर्म में कहा गया है, हाँ? क्या नाम, भगवत गीता, हाँ? अभी आपके पास भगवत गीता है? नहीं भगवत गीता तो फिलहाल नहीं है, आप बताते जाइए। अच्छा भगवत गीता अध्याय नंबर 5, हाँ? चैप्टर नंबर 5, हाँ? वर्स नंबर 20 में कहा गया है, हाँ? अय अर्जुन तू दुनिया में क्या, दुनिया में तू दूसरों की पूजा मत कर, इसकी हाँ? मूर्ति पूजा की, हाँ? वरना तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, हाँ? श्री कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से। बिल्कुल, फिर भी आप लोग ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो भैया? अच्छा, मूर्ति पूजा तो आप भी करते हो, कहाँ करते हैं बताइए? खाना कावा में संगे अश्वत्थ का क्या है? बिल्कुल, खाने काबा को हम सजदा नहीं करते हैं, अल्लाह का हुक्म है, लेते हैं ना बोसा, लेते हैं ना बोसा, तो मैं मेरे भाई को भी लेता हूँ। हाँ तो लेते क्यों हैं वो बोसा? तो देखिए 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 मूर्ति पूजा, देखिए आप उस पे एतबार कर रहे हैं, किसी बुत पे किसी पत्थर पे बात बोल रहे हैं, बात बोसा। सोहेल भाई बोसा। पहले आप थोड़ी सी इसकी बात को तय तक समझिए ना, अगर आप उसमें एतबार कर रहे हो तो ये मूर्ति पूजा ही होगी। एतबार ये देखिए, एक फोटो हो गया, आप लोग फोटो नहीं रखते ना? फोटो रखना इस्लाम में इजाजत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे जो उलमा इकराम है, बात सुनिए मेरी, बुरी बात तो पूरी करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि फोटो रखना भी वो एक तरह से कुफ्र में आता है, ठीक है? कुफ्र में नहीं आता भैया, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बाकायदा फतवा नंबर यार मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकायदा फतवा है इस पे यार भाई। अगर कोई चीज के लिए फोटो रखता है आदमी तो उसकी इजाजत दी गई है इस्लाम में, अगर कोई पासपोर्ट बनाने के लिए या कोई चीज के लिए। अगर कोई किसी फोटो पे एतबार करता है कि भैया ये फोटो मेरे, ये फोटो से कुछ होगा, तो ये तो गलत है ना, ये तो कुफर है ना? ये कुफर है, ये कुफर है, फोटो के ऊपर है ये सीधा करना कुफर है। हाँ तो वो पत्थर से क्या, पत्थर से जो बोसा लेते हैं उससे क्या एतबार है, उससे आप क्या मुराद है भाई? जी सुनिए सुनिए, गणेश जी की आप पूजा करते हैं ना? देखिए भाई गणेश जी की जो बात है, बात भाई बात तो सुनिए, मेरी भी एक बात पूरी कर लेनी थी। मैं आपको अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, कुरान 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 और बाइबल यह वैदिक शास्त्रों की श्रेणी में नहीं आते, इसे तो आप जैसे मूर्ख लोगों ने लिख लिया है, ठीक है? अच्छा क्योंकि इनमें सत्यता नहीं है ना, मैंने तो बता दिया शुरुआत में ही बता दिया, आप शुरुआत का ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का नहीं बता पा रहे। मैं आपसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो कि अल्लाह की वाणी है तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? हाँ अल्लाह ने हमको सिखाया है भाई, तो कहाँ सिखाया? एक वाहिद आयत बता दीजिए ना। अरे सारी किताब तो अल्लाह ने हमको सिखाई है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ किसके बात आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ मौजू समझ जाइए आपका, हमारा मौजू ये मैं यही कह रहा हूँ, देखिए मौजू ये था कि ईश्वर का ज्ञान क्या है, वेद है या कुरान है? आप तो कह रहे हो कि कुरान अल्लाह की वाणी है, बेशक कुरान अल्लाह का किताब है, मेरा ईमान है। जब तक कि आप ये भी नहीं बता पा रहे हो कि एक अच्छाई अभी तक की बताइए, अभी में एक अच्छाई जिसने यहूदी नसारा यजीदी हर किसी को फायदा पहुंचाया हो, अभी भी पहुंचा रहा हो, नॉट ओनली मुस्लिम,
बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, सुनिए। हाँ बताइए। इस्लाम में कहा गया है कि और जबकि मैं अपना बताऊं, वेदों से निकला है सुनिए, आयुर्वेद, सारी इंसानियत को सांख्य इससे ज्ञान फायदा हो रहा निकला है। है, वेदों से सांख्य ज्ञान निकला है, वेदों से आयुर्वेद निकला है, वेदों से योग निकला है, जिससे कि हर कोई फायदा उठा रहा है। इजराइल में भी लोग फायदा उठा रहे हैं, दुनिया के कोने कोने सुनिए में ना लोग भैया, फायदा उठा रहे हैं। सुनिए। हाँ इस्लाम में कहा गया है कि चोरी करना गलत है, चोरी करने वाले के हाथ काट देना चाहिए। हाँ अभी इंडिया में ये कानून नहीं है, कितनी चोरी हुई अमेरिका में अमेरिका है, में ये कानून नहीं है, कितनी चोरी हुई इसराइल में है, देखो ना। इसराइल में है, इसराइल में नहीं है, देखो चोरी कितनी होती है। जबकि जबकि योग योग तो हर जगह पे है, आयुर्वेद तो हर जगह पे है। अरे भैया होगा, तो आपको ईश्वर देखिए कंग्रेचुलेशन भाई, करता हूँ इसके लिए, आपको मैं कह रहा मुबारकबाद हूँ देता हूँ। सोहेल भाई, मैं सोहेल भाई इंसानियत मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर का जो ज्ञान होगा वह सारे इंसानों के लिए होगा ना, ना कि केवल हिंदुओं के लिए होगा या फिर भारतवासियों के लिए होगा। अब देखिए आप बिल्कुल, मैं एकदम सीधी सीधी बात किया हूँ, मैंने आपसे घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं किया हूँ। जबकि आपके यहाँ पे कुरान में सीधा बोला गया है, सूरह यूसुफ में के सूरह यूसुफ में आयत नंबर 2 में, इन अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, के ये कुरान मैंने तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझ उतारी है ताकि तुम्हें समझने में सहूलियत हो। मतलब एक भाषा विशेष के लोगों को, एक स्थान विशेष के लोगों के लिए ये बोली गई है, पूरे मानव जाति के लिए नहीं बोली गई है भाई। अरबी जबान, हाँ अरबी जबान जो है वो अरबों की अरबी जबान थी, तो अरबों तो वही को तो कहा कह रहा गया हूँ है ना, इसमें। वही तो कह रहा हूँ ना, व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है, पूरे दुनिया के लिए थोड़ी ना कहा गया है। बिल्कुल आपकी और जब धार्मिक भी किताब और कौन जब सी भी कौन कहा सी? गया है या अयुहल्लदीना आमनू, ए ईमान लाने अरे वालों, भैया 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 जी जबकि हमारे यहाँ पे ये नहीं आपकी कहा गया है कि केवल हिंदुओं के लिए, मानव मात्र के लिए कहा गया है भाई। यथेन इमम वाचम कल्याण इमा वदानी जनिध्या, कि ये जो ज्ञान है यह मानव मात्र के लिए है। अच्छा ये जो फिरौन है ना, फिरौन फिरौन को तो जानते होंगे आप। हाँ फिरौन, फिरौन की वो जो अब सड़ रहा है, बॉडी, वो जो रहा रखा है, जहाँ रखा है ना, वो अब सड़ रहा है धीरे धीरे। और हाँ उसका तो जब वही, भी कार्बन डेटिंग निकाला गया तो वो जो आप लोग बता रहे थे ना कि फलाना है ठिकाना है, वो गलत साबित हो गया है, वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव कर दिया है। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्कवरी चैनल में बाकायदा एक एपिसोड भी आया था जिसमें बताया गया कि गलत है। कुरान कुरान मजीद की एक आयत है, उसमें कहा गया है, साइंसदानों ने इस चीज को साबित किया था और डॉक्टर मोरिस बुखारी ने इस्लाम कबूल किया सऊदी अरब में। मैं तो कह रहा हूँ अभी अब धीरे धीरे उसकी कार्बन डेटिंग दोबारा निकाली गई ना, तो उसमें जो आप लोग बोल रहे हो वो गलत साबित हुआ है। जो कुरान में जो कहा गया है, उस वक्त का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर मोरिस, उसने इस्लाम क्यों कबूल किया था? मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। तो मूर्ख था, उतना बड़ा साइंटिस्ट मूर्ख हो गया? नहीं नहीं आप बड़े ज्ञानी हो गए। नहीं वो देखिए, मूर्खों की बात अगर चली ही है तो मैंने तो बता दिया ना कि आपके अल्लाह ताला कितने मूर्ख थे, मैंने तो भाई बता साहब, दिया भाई। तो उनको भविष्य का ज्ञान नहीं था, पहले में कहे कि 2 पे भारी पड़ेगा, का 2 काफिरों पे भारी पड़ोगे, बाद में कहा कि नहीं क्या नाम से, हाँ पहले में कहा कि 10 काफिरों पे भारी पड़ोगे, बाद में कहा कि नहीं 2 काफिरों पे भारी पड़ोगे। उनको भविष्य का ज्ञान था ही नहीं, तो मूर्ख कौन हो गया? बात भविष्य के ज्ञान की नहीं है भैया जी। हाँ हाँ ज्ञान तो अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है, सुने ना। कैसे ज्ञान है? अगर ज्ञान होता भाई, अगर ज्ञान होता तो इबलीस को बनाते ही ना ना, जो आज दुनिया में बुराई फैला रहा है आपके एतबार से। अगर ज्ञान अल्लाह को, सुनो अल्लाह ताला ने हर चीज को जान मुझ के पैदा किया है, चाहे तो तू मेरी बात मान चाहे तो मत मान, फ्री विल दिया है। फ्री विल दिया है तो फिर क्यों कहा गया है? फिर अल्लाह अगर चाहता तो सारे इंसानों को, माशा अल्लाह हुकान वल्लमी शौलम यकुन, इसका मतलब बता दीजिए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अल्लाह ताला अगर चाहते तो सारे इंसानों को एक ही धर्म में मुसलमान ही बना सकते थे। तो आप इसका बता दीजिए, मेरी बात करो, आप चाहने की बात कर रहे हो ना, तो मैं वही चाहने पे ही बोल रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए, माशाल्लाह अल्लाह ने सुनिए, अल्लाह ने एक ही धर्म ऊपर से नाजिल किया है और उस धर्म का नाम है अमन, पीस। ऊपर से आसमान से? आसमान से आया है। अच्छा कैसे, मतलब आया कैसे आसमान से? जिब्रील नहीं लेके आए थे? आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा, माँ हव्वा अलैहि सलाम को भेजा। अच्छा 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 बस वहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, मतलब आसमान से है। ये तो एक शगुफा छोड़ रखा है भाई आप लोगों ने, जबकि रियलिटी के नहीं भैया, कुरान में लिखा है। अच्छा, कुरान में? अच्छा कुरान में ही लिखा है ना, माशाल्लाह हुकान वल्लम इशाउलम यकुन, इसका मतलब क्या होता है? कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। ठीक है जी,
तो जब चाहने से बहुत कुछ हो जाती है, तो इधर आप ये गलत बात क्यों कह रहे हैं कि भैया वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया? अल्लाह ताला कभी भी गलत चीज नहीं चाहते अपने बंदों के लिए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह ने तो ये भी चाहा था कि आदम और हव्वा उसका फल ना खाएं, फिर भी उन्होंने खाया। अल्लाह तो ये भी चाहते थे कि इबलीस जो है, नहीं नहीं बात दिया था ना, इबलीस ने उनको फ्री विल दिया था, तो उन्होंने उन्होंने अपनी चाह क्यों रखी भाई? उनका मामला तय करना था। उन्होंने अपनी चाह क्यों रखी? वो चाहते थे ना कि वो फल ना खाएं, वो चाहते तो थे। हाँ तो उनका चाहना हुआ लेकिन फ्री विल दिया था भैया, चाहते थे लेकिन फ्री विल दिया था। फ्री विल कहाँ पे दिया था बता दीजिए? बिल्कुल फ्री विल दिया, अल्लाह ने उनको कहा था कि भाई तुम ये फल मत खाओ, अभी आपकी मर्जी हो, खाएंगे तो आप गुमराह हो गए। अरे तो उन्होंने बोला क्यों? मतलब उनके चाहन, उन्होंने तो चाहा ना, उन्होंने तो ये भी चाहा था कि सजदा करे इबलीस आदम का। आप बोल रहे हैं अल्लाह ताला की धार्मिक किताब ये कुरान मजीद है या नहीं साबित करो, मैं बोल रहा हूँ। अरे भैया कुरान में 1400 साल पहले, कुरान में 1400 साल पहले कहा गया है कि ये जमीन का जो शेप है, जिसका डिजाइन है, ये जियो थेरिकल बैदली शक्ल में, किसकी शक्ल में? बैदली शक्ल में शुतुरमुर्ख का जो अंडा है। नहीं नहीं, दहाहा का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए आप। मैंने बाकायदा मैं लुगात वगैरह मैंने पढ़े हैं, और आप गलत मत बताइए मुझे। शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं होता, दहाहा का मतलब बताइए आप। दहाहा का मतलब है अंडा, आम अंडे की बात नहीं है, आम बैठे की बात नहीं। भाई अब ये लगे आप मुझे परी कथा बता रहे। भाई अल्लाह ने तो इबलीस जो आगे चल के शैतान बन गया, उसे कहा कि तू आदम का सजदा कर, हुक्म दिया ना। उन्होंने चाहा, हुक्म दिया, फिर भी वो सजदा नहीं किया और उल्टा उठ के चैलेंज करने लगा उनको, तो ये तो उनके मन की बात नहीं हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम से जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता? अल्लाह को ये सारी चीजें पहले से पता थी भैया, लेकिन अल्लाह ने नहीं पता थी। अगर पता होती तो ये क्यों कहते पहली आयत में कि भैया 10 पे भारी पड़ेगा, बाद में कहा कि 2 पे भारी पड़ेगा? भैया सुनो, आप अल्लाह का कलाम इसको नहीं मानते कुरान को? बिल्कुल। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कलाम हो सकता है कलाम, अब आप जो बोल रहे हो कलाम के लिए, तब फिर उसके बाद कलाम के लिए मुख का होना आवश्यक है, मुख के लिए शरीर का होना आवश्यक है, तो निराकार कैसे हुआ? साइंस आप साइंस कह रहे हैं, आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए एक दो आदमी बोलते होंगे, सब नहीं बोलते ना। सब नहीं भैया, साइंस कह रही है बात। साइंस कहाँ, कौन सा साइंस बोला बताइए, आप नाम बताइए मुझे, कौन सी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया जरा बताइए, मैं भी थोड़ा सा साइंस मानते ना। आई नो तो मानते हैं ना आप, जो जो समंदर है जो आपस में मिलते नहीं है, जिनके बीच में एक आर है, वो मिलते हैं बाकायदा, उसको साइंस ने प्रूफ कर दिया है, वो जो होता है ना, मिलते हैं भैया, कुरान में भी यही कहा गया है, मिलते हैं आपस में लेकिन आपस में घुलते नहीं है। भैया तो ये देखिए आप बताइए, कुरान से पहले ये चीज होती नहीं थी क्या? रहमान में, सूरह रहमान में कहा गया है, रहमान क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नंबर 55। मेरे काबिल भाई मेरी बात तो सुनेंगे। अच्छा कुरान से पहले ये करिश्मा होता था कि नहीं होता था? कुरान से पहले होता था। तो बहुत संभव है कि भाई उन्होंने देखा हो कहीं पे, फिर उसी को अपने में ऐड कर दिया हो कुरान समंदर। तो जाकिर नाइक की जितना भी रटा है आपने, जितना भी रटन तोता वाला काम किए हो ना, मैं बता रहा हूँ, वो जितना भी आपने रटा है वो सब बेकार है। अच्छा, क्योंकि रट्टू तोते कभी अपने दिमाग से काम नहीं करते। अच्छा, मधुमक्खी जो है, सुनो मधुमक्खी, अरे भैया मैं वही कह रहा हूँ, जितना आपने रटा है बस उतना बताएंगे, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे। मैं अच्छा जितना मैं रटा हूँ उस पर आप जवाब नहीं दे सक रहे, जो मैं नहीं रटा हूँ उस पर मैं आऊंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मानते कि आपने रटा है, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए इसके लिए। मैं नहीं, मतलब मानते हैं ना कि आपने रटा है? अरे आप बोल रहे हैं ना तो आपकी खुशी के लिए हम ये भी बोल रहे हैं। मेरी खुशी के लिए तो मैं ये भी कहता हूँ कि भैया आप बोल दो अल्लाह मूर्ख है, आप मानेंगे, आप बोलेंगे? हाँ मेरी खुशी के लिए बोल दीजिए। देखिए भैया जो नहीं, मेरी खुशी के लिए बोलिए ना भाई, अल्लाह मूर्ख है, आप बोलिए ना मूर्ति पूजा मूर्ख है। मेरी खुशी के लिए आप बोल रहे हैं ना, तो आप मेरी खुशी के लिए भी बोल दीजिए। मैं तो अल्लाह अकबर बोलूंगा। नहीं तो आपने क्यों कहा कि मेरी खुशी के लिए बोल रहे हैं? अरे तो जो चीज पॉसिबल, जो क्या बोलते हैं, जो अच्छी जो चीज है उसको तो हम मानेंगे ना भैया, ठीक है ना? देखिए भैया एक घंटा होने को आ रहा है, देखिए अच्छा ठीक है, इसी बात पे आप फोन कट कर दीजिए, और जितना रटा है ना आपने वो रट के फिर दोबारा कीजिए, और जो आपने रिकॉर्डिंग मेरे भाई की डाली है ना यूट्यूब पे उसको निकाल दीजिए, वरना मैं भी इसको डालूंगा। बिल्कुल डालिए भैया, इसमें गलत बात क्या बोला हूं? गलत बात बाकायदा बोले हो ना, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और जितना भी रटा है वही बोल रहे हो। बिल्कुल मैं एक स्टूडेंट हूँ भैया, मेरे कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मुझे स्टूडेंट क्या हो भाई, जाकिर नाइक के कॉपी पेस्ट हो आप। हाँ बराबर सही बोल रहा हूँ। देखिए भैया जाकिर नाइक जो हमारे सर है, हम सारे मुसलमानों के जाकिर नाइक भगोड़े हैं, वो
काहे को दूसरे देश में है भाई, आते क्यों नहीं अगर फेर हैं तो आ जावे। ईश्वर ईश्वर तो अपनी चापलूसी भी नहीं करवाता जैसे आप लोगों अच्छा, का ईश्वर करवाता हाँ, है, चापलूसी अच्छा, करवाता सुनिए, है, सुनिए, आप डराता एक है। भगवान में मानते हैं आप, एक भगवान में? हाँ आप लोग एक में नहीं मानते? आप अरे हम तो एक नहीं मानते, आप कहाँ मानते मानते हैं हो मैं मानते आप दूसरा लोग हूँ। कहाँ मानते हो भाई, अल्लाह को मोहम्मद से हटा के दिखाओ। अरे भैया मोहम्मद साहब पैगंबर है। नहीं खुद अल्लाह ने कहा है ना कि उनके नाम के साथ किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता, तो आप लोग मोहम्मद को क्यों अजान देते हो? तो मोहम्मद को खुदा तो कहते खुदा नहीं मानते उनको, खुदा नहीं मानते, ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर है। अपनी उंगली से चांद के दो टुकड़े करने वाला ईश्वर के हाँ। समान हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे धार्मिक किताब में नहीं, नहीं वो मोहम्मद मत साहब ने वो मत बताइए, वो भविष्य पुराण का वो गपोड़ा मत बताइए मुझे, मैं जानता हूँ। अच्छा मैं अच्छा कह वो जाकिर नायक जोकर नालायक वाली बात मत बताइए, मैं कह रहा हूँ कि अपनी तो उंगली इसलिए से तो आपको जाकिर नायक से दिक्कत थी, इसलिए नहीं, तो नहीं, जाकिर नायक को अकाल दिया ना इंडिया से, मतलब मानते हो ना कि हकाला आतंकी गया? मानते हो हकाला गया? वही बोल रहा हूँ नहीं, मैं आपने जबरदस्ती करके ऑन रिकॉर्डेड है, उससे बात करने के लिए, आपने उससे बोला करने के है, लिए आपके पास। देखिए आपने बोला है कि हकाला? अच्छा क्योंकि अभी मेरा नमाज का टाइम और आजा हो रही है आपके पास। अच्छा तो ठीक है कल बात कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ तो ये मैं आपसे डर के नहीं मांग रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है तो कल बात करेंगे ना? अच्छा ओके चलो इंशाल्लाह, कट मत ओके कीजिएगा, मतलब कल बात कीजिएगा जरूर। बिल्कुल करेंगे मेरा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हाँ ओके थैंक यू, नमस्ते भाई। अच्छा सुनिए सुनिए जी जी, और जो मैंने गलती हो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल नहीं, कुछ अगर मुझसे गलत आपको दिखा भैया तो उसके लिए सॉरी। नहीं सॉरी क्यों, और जो मैंने कहा है उसका जवाब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है? कि अपने बड़े आलिमों से पूछ, मैंने भी जो कहा है उसका जवाब ढूंढ लीजिए, मैंने तो आपको बता दिया था बाकायदा, मैंने आप भी आपको बता दिया था। नहीं नहीं आपने अभी तक जो बिस्मिल्लाह का मैंने पूछा था वो कहते कि आपको बाद में बताऊंगा, तो आप बाद में बता, मैंने जो कहा मैं तो कहा ना अल्लाह ताला ने खुद इंसानों को कहा है, सिखाया है। आपने रिकॉर्डिंग में बोला था कि मैं उसका बाद में बताऊंगा आपको, रिकॉर्डिंग है, मैंने बाद में आपने अच्छा बोला था। ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है बोला था, मैं अभी बता दे रहा हूँ ना, आप समझ के आप मुझे बाद में बता दीजिएगा, क्योंकि आपने नहीं, बाद में नहीं अभी बता दिया हूँ ना भैया। क्या बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से। हाँ तो अल्लाह की वाणी है ना, अल्लाह की वाणी। हाँ तो अल्लाह अल्लाह ने इंसानों को सिखाया है मेरे भाई, तो उनको ऐसा कहना चाहिए था ना कि शुरू करो मेरे नाम से। मेरे नाम से यानी मेरे नाम से मैं अगर पढ़ाऊँ तो शुरू करता हूँ मेरे नाम से हो जाता है, समझे आप बात को? तो अल्लाह का नाम लेना पड़ता है। सच में आप गोदरेज के ताले हो यार, आपको समझ में नहीं आता मैं कह रहा हूँ। अरे आप अच्छा मुसलमान चार अच्छा ठीक है रखो ओके ओके ठीक है भाई, अभी टाइम हो रहा है मुझे, बाद में आपसे बात करता हूँ जो भी है उसके सवाल सवाल पे विचार। ठीक है ठीक है, आपके आप भी जो भी मैं आपसे सवाल किया उसका जवाब बता दिया था, जो मैंने बताया उस पर ढूंढ के बताइएगा।